हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज देखो मैं सुबह सुबह क्या कर रहा हूँ। सुबह सुबह मैं अफगानी पनीर बना रहा हूँ। ये देखो, अभी मैंने पनीर मैरिनेट होने रखा हुआ है और अभी मैं मसाला तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस, बहुत स्वाद बनता है और बहुत ईजी रेसिपी है, तो आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये देखो पनीर मैरिनेट कर दिया मैंने। इसके अंदर मैंने ना पहले पनीर के क्यूब्स काट लिए, फिर उसके अंदर ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है ये डाला, उसके अंदर चुटकी नमक की और चुटकी काली मिर्च की गाइस ऐसे डाल देना, और थोड़ा सा तेल डाल देना। ओलिव ऑयल, हेल्दी खाना गाइस, हेल्दी, ठीक है। ये ओलिव ऑयल है और ये बड़ा एयर फ्राइज है। इसके अंदर हम इसको 10-15 मिनट रखेंगे, ये रोस्ट हो जाएगा, और तेल में इसको फ्राई नहीं करेंगे, हम खाते हैं हेल्दी। तो गाइस, आपको इसको अच्छे से टोस्ट करना पड़ेगा। देख लो गाइस, ऑलिव ऑयल खाने के बाद भी ये हाल है। कट 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 गाइस, अब देखो हमारा एयर फ्राई से पनीर इतना क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया था, अच्छा हो गया। फिर उसके बाद मैंने बनाई ग्रेवी। इधर भारती, जो आपको प्याज की ग्रेवी दिखाई थी ना गाइस, उसके अंदर हमने उसको अच्छी तरह रोस्ट करके उसके अंदर दही डाल के उसको पीस दिया। फिर उसको थोड़ी देर यहाँ पे उसके अंदर थोड़ा सा बटर डाल के, हल्का सा बटर, ज़्यादा नहीं, हल्का सा डाल के, और उसको वो कर लेंगे स्टिर फ्राई। गाइस, उसके बाद ये पनीर के जो पीसीज हैं इसको हम डालेंगे इसके अंदर, और इसको हम थोड़ी देर सिमर होने के लिए रख देंगे ढक के, जिससे जो ये इसके अंदर मसाला चला जाए अच्छे से। हिंदी में क्या बोलते हैं? बिजवल। बिजवल। फिर इसके बाद ये ऐसे तैयार हो जाएगा, फिर इसको हम खा लेंगे रोटी के साथ। तब हमारा गरम हो रहा है रोटी के लिए, रख देंगे इसको। इतने आप अपने लिए ना 2-3 पीसेस बचा लेना, क्योंकि पनीर भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्वाद है। सो गाइज, आप देखो अब इसको हम गार्निश कर देंगे कस्तूरी मेथी के साथ, एंड हमारा पनीर बन के रेडी है। और गाइज, यहाँ बन रही है गर्म गर्म रोटियाँ, अभी हम खाते हैं और देखो कितना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा गाइज, बहुत मज़ा। गाइज, अभी अंशुल काम से आया था, ये देख लो जादू बना बैठा है। सो अंशुल, जो मैंने सब्जी बनाई थी पनीर की, कैसी लगी तेरे को? एक नंबर, मैंने अपने इंडिया में भी नहीं खाई वो पनीर की सब्जी। वो उसमें टमाटर भी नहीं डाला हुआ था, देख ले, सिर्फ प्याज डले हुए हैं, प्याज और काजू। उस पनीर का नाम था अफगानी पनीर, एक नंबर था। और गाइज, अब मैं खा रहा हूँ आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम? कुकीज वाली है। कुकीज एंड क्रीम। कुकीज एंड क्रीम इंडिया में खाई थी तूने? ये वाली इंडिया में भी मिलती है, ये अमूल की। हाँ, कुकीज एंड क्रीम कैथर में मिलती है। क्यों नहीं मिलती? बहुत जगह मिलती है। नहीं खाई भाई, वहाँ तो वो खाई है ब्रिक संडे, वो 90 रुपये वाली, 150। कौन सी कंपनी की? अमूल की। अच्छा गाइस, आज के व्लॉग में आपको फिर दिख सकता है थोड़ा महाभारत हो सकती है शाम को आने वाले टाइम में। पर अभी एक लड़का आने वाला है, 2 बजे शायद आएगा, वो देखते हैं। आएगा पता नहीं, ऊपर वाले को ही पता है कौन आएगा कौन जाएगा। गाइस, कभी इंडिया में यूज करें ये रखे टेबल पे, हाँ ऐसे यूज करते हैं। ले आलू बुखारे खा ले, आलू बुखारे छिलका तार लियो, जो भी गिटक मुंह में जावे गिटक कर दी। ठीक चल रहा है, 1, 2 का 4, 4, 2 का 1। माय नेम इज लक। तो यार पागल हो यार। गाइस, इन्होंने नई पॉलिसी लागू कर दी है। क्या पॉलिसी है पारस? वो नहीं, कोई किसी का कमरे में नहीं जाएगा। सुनो सरदार जी, भूखी या प्यासी, और गाइस इधर आओ। गाइस, इशू पता क्या कहता, किसी ने ना हमारे बाथरूम में ना ये खा के ना चिंगम रखी हुई है, पर गाइस हम बता दें ये चिंगम नहीं होती, ये ना यहाँ पे गम होती है ना हमारी गम, ये गम है गाइस, ये चिंगम नहीं है। पर मैं इसको फेंक दूंगा, फेंक दूंगा उसके, ये देखो दिखाता हूँ, इधर आओ। जिससे डंडा चिपका हुआ है ना उधर कोने पे लगी हुई है, वो तो गम वहाँ भी लगी हुई है, ये गम होती है गाइस, ये चिंगम नहीं होती। और इस निशु ने ऐसे बदनाम कर दिया, चिंगम चिंगम है। गाइस, हमारा ना ग्रुप है घर का, तो उसमें लड़ाई चलती रहती है आपस में इनकी, तो ये पता नहीं क्या एक दूसरे को कह रहे थे, तुम ले लो वो ले लो। ओ पारस, ये तेरी सोच से ना। और गाइस, ये देख लो गुरुद्वारा बना रखा है यहाँ पे। सो गाइस, हियर इज द कॉफी जो मैं बाली से लेके आया था, वो हम लेके आए थे एवोकाडो कॉफी। गाइस, एवोकाडो कॉफी
यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलती गाइस, एवोकाडो कॉफी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मुझे को तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो गाइस आते ही इसके दो कप पिए पहले, तो गाइस एनर्जी इतनी आई हुई है, कॉफी बहुत बढ़िया है। और हर कॉफी की वहां पे ना क्वालिटी थी कि उससे क्या ठीक होता है। अब मैं बना रहा हूँ आज वेज बिरयानी, कम ऑन गाइस, कम ऑन। देखो आप कहते हो गया काफ सार दिन कुकिंग करते रहते हैं, आज गाइस मेरे काम से ऑफ था तो मैं कुकिंग करता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है कुकिंग। ये सारा कुछ काट कूट के मैंने दिया, जब कड़ची चलाने की बारी आती है तो गाइस मेन तो सारा मसालों का होता है ना खेल, मसालों का होता है ना कि नमक मिर्च कैसे पानी है। अब गाइस हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, आप भी कहोगे यार ये फूड चैनल बनता जा रहा है, नहीं गाइस ये व्लॉग चैनल है। देखो इसके ऊपर हमने राइस को ऐसे छोड़ देना थोड़ी देर, पैसे थोड़ा ना कमाने लग रहे, कल्ले का नुकसान हो गया, नहीं कहता किसी की लगी होगी, हाँ है लेकिन उसमें बैलेंस नहीं है, तो पैसे दूंगा मैं, भर दूंगा, क्रेडिट कार्ड से सरचार्ज लगेगा, कितना लगता है पता नहीं, छोड़ उस बात को, भर देंगे और बता। अरे पैसे वाली बात नहीं यार, बंदा ना बोंड हो जाए, गड्डी खराब हो जाए ना। हाँ सही बात है भाई, बंदा बोंड हो जाता है, छोपी तो दे दे यार, गंदे से बाल हो गए। गाइस आज नीशु की गाड़ी खराब हो गई, बड़ा दुख लगा है, बड़ा दुख लगा। नहीं होया क्या नीशु की गाड़ी को, ये तो मेरे को भी पता, ये बता रहा है ये तो जिसकी गाड़ी को ठोकी उसका तो कुछ नहीं हो रहा, हाँ, इसका नुकसान हो रहा है। अरे ठुकी भी क्या यार, वो पीछे वो टोचन वाला होता ना, वो अंदर जाली के अंदर, वो उसने मोड़ दिया और रेडिएटर वो मुड़ गया अंदर से, वो मुड़ गई जाली, मुड़ गई रेडिएटर की। चलो गाइस एक और आ रहा है अभी, उसकी भी शिफ्ट कैंसिल हो चुकी है, आ रहा है अभी, बैठे हैं यार दिन में, शक्ति ऑर्डर देते हैं, चला जा शक्ति वाटर बजते ने ललकारे हाण दिए। गाइस बैठेंगे अभी, चावल कैंसिल बहुत दिनों बाद, कितने टाइम बाद, After long time. मैं तो अक्टूबर में पी थी लास्ट बार, मैंने तो कहा नहीं उसके बाद। हाँ, गाइस, इसने आज मेरे पास स्ट्रीक भेजी, गोरे दिल दे नहीं मारे, इसको देखो क्या निकाल के देगा लास्ट में। तेरे को शर्म आती है तो क्या मांगता गोरो से जा जा के? फ्रूट है ब्रो। फ्रूट मांगना कुछ होती क्यों? चोर मेरे पास स्ट्रीक भेज रही, गोरे दिल दे नहीं मारे। देसी तो भाई मारे हैं आज, जिसकी गाड़ी में लगी ना मेरी गाड़ी, इंडियन था अपना, हाँ वही मैंने उसको बोला, मैं कहा भी लगी नहीं, मैं कहा भी कर ले थोड़ा था, कहा ना अपनी डिटेल्स दे दे, मैं कहा ले ले लाइसेंस ले ले, मैं कहा मैं जोर के ले गया, फिर मैंने उसका लाइसेंस ले लिया, उन्होंने मेरा लाइसेंस ले लिया, अपना फोटो। तो गाइस आज निशु की गाड़ी थोड़ी लग गई थी, और कोई ज्यादा ज्यादा नहीं लगी, मतलब थोड़ी सी लगी है, जो दूसरा बंदा था ना दूसरी पार्टी थी उसकी तो लगी नहीं कुछ भी, इसकी लगी, और इसकी डिटेल्स मांग रखा था गाड़ी की डिटेल्स दे, गाड़ी की नहीं इसकी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, उसकी गाड़ी पे ना हल्की सी स्क्रैच भी नहीं आया, क्योंकि उसकी गाड़ी में लगी नहीं, गाड़ी उसके पीछे वो लगा हुआ था ना टोचन करने वाला, कोई जगह की बात है। अरे ये पीछे यार थॉमसन रोड पे, चलो गाइस होता रहता है ऐसे, तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। में ना गोरी आई जैसे गाड़ी बीच में खड़ी, गोरी उसको आगे कहती कहती भी गाड़ी साइड में, उसके लिए उखा लग गया, अपने आप को समझ के आगे समझ के क्या करते है। 15-20 साल पहले जो आए फ्री में पीआर मिली उनको, आते ही पीआर हो गए, आते ही सब कुछ हो गए, ठीक है, और पता नहीं क्या बेफालतू में चौड़े होते हैं। अरे भाई हमें भी टाइम हो जाएगा, हम भी बिजनेस सेटअप करेंगे, हम किसी को मोलेस्ट थोड़ी ना करेंगे, इतना क्या एक पीआर ही है, सिटीजनशिप ही है, और फालतू तो कुछ नहीं है ना इसमें, इतना गाइज ओवर होने की क्या जरूरत होती है। अभी मेरे साथ भी गाइज एक इंसिडेंट हुआ था, उसके अंदर वो बंदा कह रहा था मैं 20 साल पुराना हूँ, और मेरे को कह रहा था तू मेरे को जानता नहीं,
तो गाइज मैंने भी उसको बोल दिया भाई इंडिया या पंजाब, पंजाब या हरियाणा में नहीं बैठे जो तुम मेरे को जानता नहीं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, धमकी दे रहा था गाइज मुझे। गाइज अपने घर होगा जो भी होगा, हमें क्या दिखा रहा है, हमने हम भी अपना काम करके स्टैंड हुआ है, हम कोई फुद्दू थोड़ी ना यहाँ पे, हमें भी इतना कुछ बना लिया, पागल थोड़ी ना गाइज, 20 साल बहुत कुछ होता है गाइज, पहली बार तो हर किसी का टाइम होता है, तो ठीक है कभी भी अपने आप को यूं नहीं समझना चाहिए कि हाँ मैंने बहुत कुछ कर लिया गाइस, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं साल दे जट नु बाई बाई कहंदी दुनिया। अरे नहीं यार यार जैसे हमारे जो मेरे आसपास नुकसान है, मेरा कम से कम भी ना ना करते करते भी अगर वो जाली ठीक ना हुई ना, मेरा कम से कम भी $300-400 का नुकसान है बहुत प्यार से, अगर वो जाली सीधी नहीं। गाइस अपने लोग ही साथ नहीं देते, अपने लोग ही बस मारते हैं एक दूसरे की, यही सबसे बड़ा पंगा है गाइस। पर गाइस ये नहीं कि सारे नहीं देते, कहीं तो बहुत अच्छे भी होते हैं गाइस हमारे जैसे। मैं बता, मैंने यहाँ पे जब मैं क्रैनबर्न शिफ्ट हुआ, मैंने एक अपना इंडियन था पंजाब का बंदा था गाइस, उसकी बिस्कुट की फैक्ट्री है, बिस्कुट की फैक्ट्री है उस बंदे को, अंशुल यहाँ पे हो गए कम से कम उसको 15+ साल हो गए ऑलमोस्ट भाई, वो इतना लिचड़ बंदा है ना, उसकी भाई बेकरी है वहाँ पे, बिस्कुट बनते हैं वैसे भी कमी नहीं होती, इतना बड़ा स्टॉक भर के वो डस्टबिन में भी डालता था, एंड में कई जैसे बिस्कुट टेढ़े हो गए कुछ हो गए जल जाते थे ओवन में, यार बनाते हम तो सारा दिन ओवन के आगे खड़ा होना भाई कोई आसान बात नहीं है। पहली बात तो देख ले, यहाँ पे आया मजबूरी में, मैंने उसके पास $22 में मैंने उसको हाँ करी, मैं चल जॉब कर लूंगा, एंड पे आके ना तो उसने मेरे को पैसे दिए पूरे पैसे, और भी इतना लिचड़ बंदा था ना, हमारे बिस्कुट का अंदर पैकेट वगैरह ले आने का मतलब लेके आए उठा के मैं खाने के लिए, हम तीन बंदे थे, हम तीन बंदे एक पैकेट उठा के मतलब उठा के खा गए भाई साहब, इतना रोया ना वो बंदा, उस बंदे ने हमें बिस्कुट नहीं खाने दिए, देख ले उस दिन के बाद फैक्ट्री में से, देख लो कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, देख लो गाइस इतना सब कुछ भाई, अपने कई देसी तो ना बहुत फुद्दू होते हैं, रेंज रोवर ले रहा है, 2-3 घर है, उसके बाद भी देख ले इतनी, और एक बिस्किट के पीछे इतना बड़ा वो, कोई बात नहीं, ऐसे गुरुद्वारों में भी दान देने से क्या बढ़िया, जे तुम अपने ही काम करने वालों को नहीं हेल्प कर सकते, हमें बेशक 1-1.5 साल हो गया इसको, बेशक 3-4 साल हो गया, अगर अपने से भी कोई रैंडम बंदा हेल्प मांग लेगा ना, भी मेरे को हेल्प चाहिए, कहीं पे खड़ा होकर मान लो कह दे भाई मेरे को $100-$50 चाहिए, हम कभी भी ना मना करे बंदे को, सही बात है भाई, पर जितने पुराने आए ना 10-15 साल पहले, इतने लिचड़ बंदे है ना, कुछ नहीं कहना, फुद्दू गाइस, जमी फुद्दू का सिस्टम है इनका, तो लास्ट में आके मैंने उसके लड़ाई करके अपने पेड़ निकलवाई थी, उस बंदे ने मेरे को 1.5 महीने में 1 रुपया भी नहीं मेरे को, चल छोड़ यार, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट एक्सपीरियंसेस गाइस, मेरे साथ भी गाइस बहुत एक्सपीरियंसेस बैड हुए हैं, किस दिन मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, उस दिन के बाद मैंने अपने कानों को हाथ ला लिया था, मैं आज के बाद कभी इंडियन बंदे के अंडर काम नहीं करना ही नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं करना, मैं कभी भी इंडियन बंदे के अंडर काम करने नहीं गाइस, सारे इंडियंस एक नहीं गाइस, सारे इंडियन एक जैसे नहीं होते, इंडियंस बहुत अच्छे भी होते हैं, सही बात है, ऐसा नहीं कह रहे कि हम सारे ही गलत है, लेकिन कई गाइस इतने फुद्दू है ना, महा फुद्दू सारे, क्या बोल रहे उनके बारे में, पता नहीं PR लेके सिटीजनशिप लेके अपने आप को खुदा समझ बैठते हैं, कोई बात नहीं गाइस, उनको ये नहीं पता जिस दिन अगर वो फंसे ना, ये चीज भी कैंसिल हो गई, इंडिया भेज देंगे, धक्का मारेंगे वापस, कर लेना फिर क्या करोगे, कहते हैं ना मरोड़ में करोड़ लगते हैं, बस यही बात है गाइस, और सियाणी तो वैसे भी 2 बार ही होती है गाइस, सियाणे बंदे 2 बार टूटते हैं गाइस, और जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ ना वो बहुत पुराना बंदा है, उसके बाद उसका लाइसेंस है प्रॉपर पूरा सैमी का, बड़े ट्रेलर वाले का, काफी पुराना बंदा है वो, और मैं कह रहा हूँ उस बंदे को बोलने तक की अकल नहीं है कि बोलना कैसे दूसरे बंदे, काम हो गया अभी मैंने लाइट जला दी, हैजर्ड के नियर अबाउट को लगता भी नहीं, उनको पता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया कुछ हो गया, गोली ने आके उसको नॉर्मली बोला अभी रोड ब्लॉक हो रही है साइड में कर लो, उसको भी इतना रूड तरीके के साथ बोला ना, मुझे मैं सही कह रहा हूँ अगर कोई इंडियन बंदा होता ना ढंग का, या मान लिया कोई गोरा होता कुछ होता, उसे टाइम पकड़ के लपेट देता उसको सड़क के ऊपर, मतलब गोरी शरीफ थी वो चली गई उसको बोल के, और उनने मेरे साथ बात भी नहीं करी भाई चल कोई ना भाई तू स्टूडेंट है या कुछ भी है चल कोई बात नहीं लग जाती हल्की बोती, अगर उसका नुकसान होता ना अगर $1,000 भी होता मैं उसको खड़े पैर $1,000 देता वो कोई चक्कर नहीं, पर ना उसकी गाड़ी का नुकसान हो या ऊपर से चौड़ा लगो के क्या, मैं ठीक है भाई कोई ना भाई चल लगी है तो क्या कर सकते हैं कोई ना। तो गाइस
12 बज चुकी है रात की और ये मेरे को सोने दे रहे हैं। जाओ यार प्लीज अपने कमरे में। क्यों जाओ अपने कमरे के दाखिल हो? ये सुन रहा बात है। अंडरवर्ल्ड में होगी बेइज्जती अंशु तेरे साथ। सुनो हम अभी लड़ाई करने लग गए हैं, तुम मिलते हैं अगले व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय गाइस। इधर आओ मेरे को बंदा। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। ये बंदा मशहूर कर देना काले वास्ते स्विच करके। मिलते हैं गाइस अगली बारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।